हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप अपने परिवार में बहुत ही खुश होंगे और स्वस्थ जीवन बिता रहे होंगे। मेरे इस चैनल इजी लाइफ विद रीना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये संडे व्लॉग है। सैटरडे व्लॉग मैंने कल ही अपलोड कर दिया था। संडे का दिन चाहे वर्किंग लेडीज़ हों चाहे हाउसवाइफ हों, सबके लिए ही फुल डे बिजी होता है। संडे को मैंने बच्चों का मनपसंद स्टफ्ड चना कुलचा नाश्ते में बनाया, उसके बाद हेयर पैक लगाया, फिर जो मैंने बेड शीट्स खरीदी थी सैटरडे को उनका कलर फिक्स किया ताकि इन फ्यूचर उनका कलर बिल्कुल भी फेड ना हो। फिर घर की क्लीनिंग डस्टिंग करी, शाम को कटहल की सब्जी बनाई और फिर रात को जो मैंने ऑनलाइन शॉपिंग करी थी, ज्वेलरी बॉक्स और बैंगल बॉक्स, उसकी अनबॉक्सिंग करी, सबको ऑर्गेनाइज़ किया। इस सारा कुछ मैंने शेयर किया है इस संडे ब्लॉग में, तो वीडियो को एंड तक देखना, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी और बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेंगी। और हाँ दोस्तों, अगर मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होती हैं और वीडियो अच्छी लगती हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिया करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। आपके लाइक और सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ संडे मॉर्निंग से। आज बन रहा है बच्चों का मनपसंद स्टफ्ड चना कुलचा, तो इसके लिए मैंने रात को ही 2 कटोरी काबुली चने को अच्छे से धो करके भिगो के रख दिया था। अब मैंने छील लिए हैं आलू, आलूओं को भी फिर से साफ़ कर रही हूँ, उनको धुल रही हूँ। चनों को तो मैं रात को ही धोकर ही भिगोती हूँ, पर फिर भी एक बार जब फूल जाते हैं दोबारा इनको 1-2 बार पानी से निकाल देती हूँ। चनों और कुलचों को मैं ऐसे ही इकट्ठे ही इनको बॉयल करती हूँ, अलग अलग इनको बॉयल नहीं करती हूँ। और इसमें डालूंगी 1 गिलास पानी, क्योंकि ग्रेवी तो चाहिए नहीं है, सिर्फ मकसद है इनको बॉयल करना। और इसमें मैंने डाल दिए 2 टीस्पून नमक का। अब मैं करूँगी तड़के की तैयारी। तड़के के लिए लिए हैं मैंने प्याज और ये देसी टमाटर, घर के टमाटर है, हरी मिर्च भी घर की ही है, बिल्कुल भी कड़वी नहीं है, तो काफ़ी सारी मैंने डाल दी है। थोड़ा सा तीखा बनाऊंगी, टमाटर भी काफ़ी सारे डाले हैं, तो इसके लिए आज मैं चंकी चाट मसाले और आमचूर पाउडर का इस्तेमाल नहीं करूंगी, क्योंकि जो देसी टमाटर होते हैं बहुत ज़्यादा खट्टे होते हैं। और यहाँ मैंने ले लिया है धनिया और पुदीना, आज मेरे पास दोनों ही अवेलेबल था, तो दोनों को धुल के मैंने इनको चॉपिंग बोर्ड पर रख के बारीक बारीक चॉप कर लिया है। तो कढ़ाई में डाला है कच्ची घानी का सरसों का तेल, थोड़ा ही तेल डालती हूँ। आपने मेरी कुकिंग में देखा होगा कि तेल और मसालों का इस्तेमाल मैं जो नॉर्मल घर की कुकिंग है उसमें बहुत ही कम रखती हूँ। जब तक प्याज और हरी मिर्च अच्छे से भुन रहे हैं, तब तक जो कुलचे आए हैं, 2 दर्जन कुलचे, लगभग 24 कुलचे थे ये, इनको बीच में से कट करके रख लूँगी। फ्रेश कुलचे हैं हमारे यहाँ, फ्रेश कुलचे बड़ी आसानी से सुबह सुबह मिल जाते हैं, तो कुलचे मैं मार्केट से ही मंगवाती हूँ, घर पर नहीं बनाती हूँ। सिर्फ जो चना और आलू की सब्जी है वो घर पे बनाती हूँ। चना और आलू बहुत अच्छे से बॉयल हो गए हैं। चना और आलू को बॉयल करने के लिए मैंने 1 विसल फुल फ्लेम पर, उसके बाद इसको बिल्कुल ही लो फ्लेम पे करके 5 विसल दिलवाई थी और बहुत अच्छे से ये चना और आलू बॉयल हो गए थे। अब मैंने तेल में पहले जीरा डाला था, उसके बाद प्याज और हरी मिर्च, जब अच्छे से ये भुन गए तो उसमें मैंने डाल दिए देसी टमाटर, खट्टे टमाटर, और आलूओं को बाहर निकाल रही हैं, इनको अच्छे से मैश कर रही हूँ। मैशर के लिए आपने देखा होगा हमेशा ही मैं ग्लास का इस्तेमाल करती हूँ, ग्लास से आलू चने बहुत अच्छे से मैश हो जाते हैं। तो फटाफट गर्मा गर्म ही आलूओं को अच्छे से मैश कर लो तो बिल्कुल भी इसमें गांठ नहीं रहती है। तो अब इसमें डालूंगी मसाले, मसाले जो नॉर्मल मैं कुकिंग में इस्तेमाल करती हूँ, नमक, हल्दी और चना मसाला। आज किसी तरह का कोई भी चंकी चाट मसाला या फिर कोई आमचूर पाउडर या फिर धनिया पाउडर का इस्तेमाल नहीं करूँगी, मैंने इसमें चना मसाला डाल दिया। चने मसाले में ऑलरेडी ये सारे मसाले डाले हुए होते हैं, तो कोई और मसाला इसमें ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि जितना तेल मसाला खाने में कम हो ना, तो डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छे से रहता है, वो खाना आपका बहुत अच्छे से हजम हो जाता है और आप हेल्दी लाइफ जीते हो। तो इसमें मैंने डाल दिए मैश किए हुए आलू, उसके बाद चने को भी डाल दिया था, और अच्छे से सारा कुछ मिक्स कर लूँगी और ये बहुत ही अच्छा स्टफ्ड चना कुलचा रेडी हो गया। आज इसमें मैंने थोड़ा सा फ्लेवर चेंज करने के लिए पुदीना भी डाला है, क्योंकि पुदीना, क्योंकि सीजनल चीज़ें हमको ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए, चाहे वो गर्मी की हो चाहे सर्दी की हो, अब पुदीना बहुत अच्छे से हो रहा है। तो घर का है पुदीना, तो मैंने इसमें कट करके डाल दिया। जब सबने खाया तो टेस्ट सबको बहुत ही अच्छा लगा। तो अब इनको तवे पे सेकूंगी, तवे पर थोड़ा सा लगा दिया देसी घी, और कट तो कुलचे मैंने ऑलरेडी कर लिए थे, तो अब इसमें
जो सब्जी बनाई है आलू और चने की, इसको भर दूंगी। भर के तीन तीन चार चार तवे पर रख के सेक लूंगी। तो सबको ब्रेकफास्ट करवाने के बाद मैंने लगाया अपने ऑयल लगे हुए बालों पर हेयर पैक। हेयर पैक में लगाया मेथी, कलौंजी, अलसी और चावल को रात को भिगो के रख दिया था। सुबह प्लांट वाले एलोवेरा को पीस कर बालों में लगा लिया 2 घंटे के लिए। और उसके बाद अब कर रही हूँ जो सैटरडे को मैंने डबल बेडशीट्स आपको ब्लॉग में दिखाई थी, उनका ही कलर फिक्स करना है, क्योंकि जितनी बार कॉटन के कपड़ों को धोते हैं तो उनका कलर भी फेड हो जाता है और वो श्रिंक होने लग जाती हैं। तो इन दोनों प्रॉब्लम से बचने के लिए यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ एलम फिटकरी। फिटकरी को जो सख्त होती है उसको पाउडर बना लिया। उसके बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ फिटकरी 1 चम्मच और 1 चम्मच ही नमक। कहा जाता है कि जो कॉटन के कपड़े होते हैं ना, उस पर नेचुरल कलर नहीं चढ़ता है, तो जो एलम है, फिटकरी है, वो नेचुरल डाई का काम करता है। मतलब कि जो नेचुरल कलर है कॉटन के कपड़ों पर फिक्स करने के लिए एलम ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन द सेम वे नमक, नमक का केमिकल फार्मूला है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड भी एक तरह का केमिकल एजेंट है जो कि कपड़ों के कलर को फिक्स करता है, उनको सील करता है और इन द फ्यूचर कपड़ों के कलर को फेड नहीं होना देता है। तो मैंने 1-1 चम्मच, 1 चम्मच एलम पाउडर और 1 ही चम्मच नमक, इन दोनों को भिगो अच्छे से, मतलब कि पानी मिक्स कर लिए। उसके बाद बेडशीट्स को इसमें डाल दिया है 2 घंटे के लिए। तो 2 घंटे के रख दिया। अब यहाँ पर करने लगी हूँ मैं डस्टिंग, क्योंकि हमारे यहाँ अंधेरी तूफान बहुत आ रहा है। जो पोर्च का एरिया है ना, बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो वो मेरी मम्मी थी, तो हमारे लहसुन की हार्वेस्टिंग हो चुकी है, हमको इतना आता नहीं है, मम्मी हमारे हेल्प करते हैं, क्योंकि डैडी जी गाँव गए हों या अदरवाइज़ वो आकर हेल्प कर देते, सारा कुछ उनको समेटा समेटी कर देते। तो मम्मी आज संडे आई हुई हैं, वो कहते मिल भी लेते हूँ आप लोगों से और आपकी हेल्प भी कर देती हैं। तो मैं उनसे बात भी कर रही थी पोर्च में, वो भी अपना काम कर रही, तो मैंने कहा चलो ठीक है, 1 पंथ 2 काज, आप लहसुन की साफ़ सफाई करो और मैं यहाँ पर डस्टिंग कर रही हूँ। क्योंकि बहुत ज़्यादा आंधी तूफान यहाँ नॉर्थ इंडिया में तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, रात को भी आ जाता है और पूरा डस्ट से घर भर जाता है। तो ये वाला पोर्शन तो एक तरह का डेली बेसिस हो जाता है, डेली बेसिस तो अब कौन सफाई करेंगे, क्योंकि जो डेली शेड्यूल वाले काम है वो तो हमारे फिक्स ही हैं, वो तो अब आप उनको छोड़ नहीं सकते हो। तो ये काम छुट्टी वाले दिन करिए जाएंगे, और शाम को करते हो तो धूल मिट्टी पूरी भर जाती है, तो मन नहीं करता। ये होता है कि ये वाले काम, डस्टिंग वाले काम नहाने से पहले जितना हो सके कर लो, उसके बाद नहा लो और फ्रेश फील करो। तो इस सारे काम करने के बाद फिर मैं नहाऊंगी और वही वाला शैम्पू यूज़ करूँगी जो मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया था, चाय पत्ती वाला। इससे पहले भी मैं 1 हफ्ता इस शैम्पू को यूज़ कर चुकी हूँ। अच्छा, कोई भी मेरी रेमेडी आएगी, चाहे वो स्किन केयर की हो चाहे वो हेयर केयर की हो, वो ट्राइड एंड टेस्टेड होती हैं, पहले उनको मैं खुद इस्तेमाल करती हूँ। ये चाय पत्ती और शैम्पू मैंने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ, तभी मैंने आपको इस रेमेडी शेयर करी है, क्योंकि इससे ना इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। मैंने अपनी सिस्टर को भी दिया था, उसको भी बहुत ही ठीक लगा ये वाला, डैंड्रफ उसकी बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। तो वो कह रही कि मैं इसी कंटिन्यू करूँगी। मैंने उसको बोला कोई भी चीज़ है उसको आप 1 महीना 1.5 महीना यूज़ करें, उसके बाद उसको स्किप कर दें, फिर कोई नई चीज़ ट्राई करें, ताकि सारी चीज़ों का नरिशमेंट मिलता रहे। तो उस शैम्पू को बनाइएगा ज़रूर आप। तो यहाँ पर 2 घंटे बीत गए थे, तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ कपड़ों को धुलने के लिए, बेडशीट्स को। इसको अच्छे से मसल के इनको सारा, इनका जो एलम पाउडर और नमक मैंने डाला था वो सारा ही निकाल दूँगी। अच्छा देखो, बिल्कुल भी ये बेडशीट बहुत अच्छी क्वालिटी की हैं, और एलम पाउडर नमक से तो मैंने इनका कलर पूरा ही फिक्स कर दिया है, बिल्कुल भी इन फ्यूचर ये फेड नहीं होंगी। तो बिल्कुल ही इनका कपड़ों में जो कलर है बिल्कुल भी नहीं निकला। तो यही वाला मेथड आप कॉटन के सूट्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कॉटन सूट्स क्या होते हैं, धुलने के बाद वो श्रिंक हो जाते हैं। तो इसीलिए आप लोग जब टेलर के पास जाते हो तो फिटिंग सही आती है, उसके बाद जब उनको धुलकर पहनते हो तो वो श्रिंक हो जाते हैं, और कलर भी जितनी बार धोते हैं उनका फेड हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए जब भी सूट आप मार्केट से लेकर आते हैं, तो उन सूट्स को पहले आप ऐसे ही एलम और नमक डालकर उनका कलर फिक्स कर लें और फिर उनको स्टिच करवाने के देंगे, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, जब एलम पाउडर और नमक डालते हैं ना, तो उसके बाद जो कपड़े हैं ना हार्ड हो जाते हैं, तो इस चीज़ को कैंसिल आउट करने के लिए एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल कर रही हूँ। एप्पल साइडर विनेगर हो जाए या फिर नींबू, जैसे कि मैं एग पैक जब बालों में लगाती हूँ तो उसकी स्मेल को कैंसिल आउट करने के लिए मैं ये लेमन या फिर एप्पल साइडर विनेगर या फिर कोई भी सिट्रस चीज़ होती है उसका इस्तेमाल करती हूँ। तो इसीलिए मैंने टब में एप्पल साइडर विनेगर के 4 चम्मच डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर ले। उसके
बाद सारी ही बेडशीट्स को बार बार इनको धुल के डाल रही। उसके बाद चली गई नहाने, हो गया शाम का टाइम, सबको चाय दूध दिया। अब जे हो गया जी रात का टाइम, तो आज मैं बनाने लगी हूँ जिसको कहते हैं वेज चिकन, कटहल की सब्ज़ी। ये तो मेरी फेवरेट सब्ज़ी है, मैं बनाती हूँ रसीली सब्ज़ी। बनाने का तरीका ये है कि थोड़े से पानी में नमक और हल्दी डालकर सिर्फ एक विसल लेकर आनी है ताकि थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाए। पहले मैंने इसको धुल लिया था, अब ज़्यादा इसको विसल नहीं लेके आनी, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा क्योंकि हमने इसको फ्राई करना है। सिर्फ एक विसल लेकर आनी है, फुल फ्लेम पर ठंडा कर लेना। ठंडा करने के बाद इसको बाहर निकाल लेना है, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तब इसको कच्ची घानी के तेल में इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। जो फ्राइड वाला कटहल होता है उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। वैसे भी बॉयल करके तो बन जाती है, पर मैं ऐसे ही तरीके से इसको बनाती हूँ। तो इसको अच्छे से, जब तक ये लाल ना हो जाए तब तक इसको अच्छे से भूनती हूँ। भूनने के बाद इसको फिर एक साइड प्लेट में निकाल के रख लूँगी, उसके बाद करूँगी तड़के की तैयारी। तड़के लिए खूब सारा प्याज लिया है, टमाटर लिए हैं, और आज मैं जो लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया था जिंजर गार्लिक पेस्ट, उसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। मेरी तो कुकिंग में जो टाइम है बहुत ज़्यादा बच रहा है, तो मैं तो बहुत खुश हो गई हूँ। तो आप भी वो जिंजर गार्लिक पेस्ट ज़रूर बनाएं, बहुत ज़्यादा आपको कुकिंग में हेल्प होगी। तो प्याज और हरी मिर्च को अच्छे से भून लिया, जब अच्छे से भून गए तो उसके बाद डाल लें इसमें। आज सारा कुछ ही ना मैं बोरोसिल चॉपर का यूज़ नहीं कर रही हूँ, लंबे लंबे प्याज टमाटर ही ऐसे कट करके डाल रही हूँ। मैंने कहा चलो ऐसे बना के देखते हैं, क्योंकि जिंजर गार्लिक पेस्ट तो मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है ही है। हल्दी, नमक जो और देगी मिर्च सिर्फ कलर के लिए, और इसमें मैंने डाला है मीट मसाला पाउडर, ये 7 ग्राम का पाउच होता है। इससे भी जो टेस्ट है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मिल जाता है। तो अगर कोई और मसाला अवेलेबल नहीं है तो ऐसे ही मैगी मसाले के पाउचेस मंगवा लो आप, और या फिर मीट मसाले के पाउचेस, या फिर अगर घर पे बनाना है मसाला तो ऑलरेडी मैंने वीडियो शेयर करी हुई है तो आप उसको देखकर बना लें। तो मैं तो सारे मसालों का टेस्ट ऐसे ही अलग अलग फ्लेवर डालती रहूँ ताकि कुकिंग में अलग सा ही टेस्ट आता रहे, कोई बच्चा भी और घर का कोई फैमिली मेम्बर बोरिंग ना फील करे। तो इसमें डाल दिया मैंने पानी, पानी क्योंकि हम लोग तो राइस और चपाती के साथ खाते हैं तो इसीलिए पानी इसमें ज़्यादा ऐड किया है। कई लोग तो चपाती के साथ ही सिर्फ खाते हैं तो इसीलिए उसमें पानी कम ऐड करते हैं, बिल्कुल ही सूखी सब्जी बनाते हैं। तो सबको खाना खिलाने के बाद जी आज मैं करने लगी हूँ, कुछ मैंने प्रोडक्ट मंगवाए थे मीशो से, एक मंगवाया है बैंगल केस, क्योंकि मेरी चूड़ियाँ इधर उधर बिखरी पड़ी रहती थी। जब मुझे कहीं जाना होता तो टाइम तो पहले ही कम होता था, तो चूड़ियाँ मुझे मनपसंद मिलती नहीं थी। बाद में याद आता था यार इस मैच की साड़ी की साड़ी है, तो बैंगल्स मेरे पास ऑलरेडी पड़ी थी, तो इसीलिए मैंने मीशो से मंगवाया है ये बैंगल केस। ये साटन बैंगल केस है, इसमें 6 रॉड्स हैं। तो ये इसमें बस सारी बैंगल्स को ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी, जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना आप हैरान होगी कि ये तो बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़र है और बहुत ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेता। सबसे बड़ी बात ये है, अलग अलग कभी डिब्बों में रखती हूँ, कभी कहाँ रखती हूँ, तो मिलती नहीं है टाइमली। मेन चीज़ तो ये होती है ये सारी ना डिस्प्ले हो रही हैं, तो आसानी से मैं अपने सूट साड़ी के साथ फटाफट मैच करके इनको पहन के किसी भी पार्टी फंक्शन में जा सकती हूँ। तो क्वालिटी भी अच्छी है, रेट वाइज प्रोडक्ट बहुत ही वर्थ है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, प्राइस के अकॉर्डिंग ये चीज़ आप खरीद सकते हो। तो ये मेरा सारा बैंगल केस सेट हो गया है, देखने ही बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा था। स्पेस भी इसने बहुत थोड़ी ली थी, अदरवाइज़ मेरे पास छोटे छोटे बड़े बड़े बॉक्सेस जिसमें अपनी बैंगल्स को मैं रखती थी। तो साइड में है ये जिपर, जिप के साथ इसको कर दूंगी लॉक। अच्छा, इसकी क्वालिटी भी अच्छी है क्योंकि ये बिल्कुल भी ना ऐसे नहीं है कि लिफ्ट नहीं करता है। तो पीछे से बैक में जो इसके गत्ता लगा हुआ है तो ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही ऐसे उठाओगे तो आपके हाथ छूट जाएगा। उसके बाद ही मैंने एक और मंगवाया था ज्वेलरी बॉक्स, ज्वेलरी भी सेम चीज़ ही हो जाती है। जो तो हमारे पूरे पेंडेंट सेट होते हैं वो तो हम बॉक्सेस में रखते हैं, जो छोटी मोटी इयररिंग्स होती हैं वो भी छोटी मोटी डिब्बी में पड़ी है तो पड़ी रही, मतलब कि जो चीज़ नीचे है वो नीचे रह जाती है, जो ऊपर गई तो ऊपर गई। तो टाइमली हमको कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं हो पाती, तो वही टाइम कंज्यूमिंग लगता है। तो इसीलिए मैंने ये मंगवाया है 36 ग्रेड का ज्वेलरी बॉक्स। तो इसमें से ये जो मिल रहे थे ना प्लेट सिस्टम जो सेक्शन वाइज था, ऐसे में रखती थी डब्बियाँ, देखो किसी में छोटी कोई बड़ा, और मुझे जब कहीं जाना होता तो मुझे खुद नहीं मिलता था। तो इसीलिए मैंने कहा इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालते हैं, टाइम बचेगा, ये छोटा सा ऑर्गेनाइजर बैग मंगवाती हूँ। तो ये बॉक्स भी अच्छी क्वालिटी का है, अगर आप का जो ज्वेलरी है ज़्यादा स्पेस ले रही है तो ये जो प्लेट सिस्टम लगी हुई है छोटे छोटे जो 36 ग्रिड्स हैं, ग्रिड को बस बाहर निकाल दो स्पेस ज़्यादा हो जाएगी। तो ये छोटे छोटे बहुत ज़्यादा मेरे पास इयररिंग्स थे तो इनको ही सबको आज मैंने ऑर्गेनाइज किया।
तो बड़े क्यूट लग रहे थे, और जब सबने देखा ना तो कहते ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, सारा कुछ ना डिस्प्ले हो रहा है। तो फटाफट आपने अपनी ड्रेस के साथ मैच किया, पहना और चले गए। तो ये वीडियो क्लिप है जी कल की, क्योंकि संडे को तो बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी, पूरा दिन काम रहा, रात को अनबॉक्सिंग वीडियो, फिर उसके बाद फिर सो गई थी, क्योंकि मुझे सुबह जाना होता है जिम, जिम के बाद मुझे बाकी जो शेड्यूल होते हैं, अदरवाइज़ अगर रात को लेट सोऊंगी तो मेरा सारा ही शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाएगा। तो वीडियो शूट नहीं कर पाई थी संडे को, संडे को लिया था मैंने हेयर कट, और फिर कल मैंने सुबह जब स्कूल जा रही थी तब ये वीडियो तैयार करी थी। तो मैंने सिंपली बालों को कट ही कराया, कोई ऐसे लेयर्स या फिर स्टेप कटिंग नहीं करवाई है, सिंपली कट करवाया और यहाँ पर लगा लूँगी क्लचर, बल्कि सोबर सी कटिंग कराई है। जब भी गर्मी आती है तो मुझे होता है कि बालों को छोटा रख लो, छोटे बाल ज़्यादा मैनेजेबल लगते हैं और बहुत ज़्यादा देखने में भी अच्छे लगते हैं। तो ये बाल बताना आप कैसी लुक मेरी आ रही है, अच्छी आ रही है कि नहीं। ज़्यादातर मैं कोशिश मेरी ऐसी होती है शॉर्ट हेयर में, क्योंकि विंटर आते जाते बाल बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, विंटर में तो चाहे जितने मर्जी बाल लंबे हों कोई मुश्किल नहीं लगती। तो एक पिक मैंने आज भी ली है, तो देखिए आपको कैसी लग रही है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।